अस्सलाम वालेकुम अरसलान हैदर मलिक साहब, ये बेसिकली सबसे पहले तो अगर आपने बताया होता ना कि आपने अपनी कोई एक्सपर्टीज बेचनी है या आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपने इसका मेंशन नहीं किया कि आपका आप क्या बेचना चाहते हैं, तो शायद मैं ज़्यादा तफसील से आपकी आपको जवाब दे सकता। लेकिन बी टू बी का मतलब क्या है कि आप एक यू आर ए बिज़नेस एंड यू आर ट्राइंग टू सेल टू अनदर बिज़नेस, तो जब आप वो कर रहे हैं तो जो आपका जो काउंटर पार्ट बिजनेसमैन है उसकी मखसूस रिक्वायरमेंट्स हैं। आप पहले ये देखें कि आपका जो प्रोडक्ट है और जिस जो आपका टारगेट है वो बिल्कुल सही है। कई दफ़ा हम अपने टारगेट को अपने प्रोडक्ट या अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ उसको अलाइन नहीं करते, तो जब तक अपना आपने माइंड अपना नहीं क्लियर किया कि आपका टारगेट कौन है तो उस वक्त तक आपको सक्सेस नहीं होगी। सो पहले काम ये है कि फाइन बैठ के तसल्ली से गौर करें, और इसमें ये आपको बताऊं कि ये ज़िंदगी में ना इस किस्म की शॉर्टकट कोई नहीं होती कि आपको कोई चांस में ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि बटेरा पाँव के नीचे आ गया, तो दैट डजेंट हैपन इन लाइफ। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपने करेंगे तो फिर ही होगा। तो मेहनत इस बात पर करें कि टू सी हु इज़ योर एक्चुअल कस्टमर। अगर आपको आपका एक्चुअल कस्टमर मिल गया तो फिर ये देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप तीसरी बात ये देखें कि आपने उसको रीच आउट कैसे करना है। कोई अपना डेटाबेस बनाएं, अगर उस किस्म के कस्टमर्स हैं तो पहले आप कोई लिस्ट बनाएं, और वो कस्टमर आपने पाकिस्तान में ही तलाश करने हैं या पाकिस्तान के कहीं बाहर करने हैं, क्योंकि अल्लाह की दुनिया काफ़ी वसी है और पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। तो आप मेहरबानी करके दुनिया में देखें कि जो आप बेचना चाहते हैं उसका कस्टमर दुनिया में कहाँ पर है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ तगोदो करनी पड़ेगी। और लेकिन जब आप इसके ऊपर प्रॉपरली मेहनत करेंगे, सीख लेंगे, तो फिर आपको इसमें से ऐसा रिवार्ड मिलेगा कि फिर आप को कंसिस्टेंटली आपकी आमदन भी होगी और होगा। लेकिन मेहरबानी करके शॉर्टकट ना तलाश करें, चीज़ पे कंसंट्रेट करें और उसके ऊपर, और क्योंकि जो भी आपको चाहिए ना आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत अदा की के बगैर आपको मिलना कुछ नहीं है, तो इसको मेहरबानी करके गौर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।